गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है लीगल सिस्टम टाइप्स ऑफ लॉ टॉट एंड लाइबिलिटीज इन साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जो लीगल सिस्टम है उसके बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, लॉ इज द रिजल्ट ऑफ द मिनिमम लेवल ऑफ शेयर्ड वैल्यूज और एथिक्स ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ पीपल। लॉ एंड एथिक्स आर रिलेटेड। नर्स मे एक्ट इन वे दैट आर लीगल बट नॉट इथिकल बोथ। लॉ एंड एथिक्स आर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। लॉ मीन्स ए बॉडी ऑफ रूल्स टू गाइड ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन को गाइड करने के लिए एक बॉडी ऑफ रूल्स बनाई गई है बाय द लॉ। इसी को लॉ कहते हैं, कानून कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ लॉ, लॉ आर रूल्स ऑफ कंडक्ट एस्टाब्लिश एंड एनफोर्स बाय अथॉरिटी विच प्रोहिबिट एक्सट्रीम इन बिहेवियर सो दैट वन कैन लिव विदाउट फियर फॉर वन सेल्फ आवन प्रॉपर्टी। एक पर्सन जो बाय द लॉ रूल्स ऑफ कंडक्ट के तहत और अथॉरिटी के तहत वो बिना किसी डर के खुद और अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रख सकता है बाय द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये स्विलियन एंड डेकर ने 2001 के अंदर डेफिनेशन दी लॉ की। देन टाइप्स ऑफ द लॉ आर, फर्स्ट टाइप इज पब्लिक, देन सेकंड टाइप इज सिविल। इन पब्लिक टाइप ऑफ लॉ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्रिमिनल, देन सिविल इज डिवाइडेड इनटू टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा जो लॉ है इंडिया का वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इट इज द स्टडी ऑफ फाउंडेशनल और बेसिक लॉ ऑफ नेशन स्टेट एंड अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल एंड ऑल्सो विद डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जुडिशरी। द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर, इट रेगुलेट ब्यूरोक्रेटिक मैनेजेरियल प्रोसीजर एंड डिफाइंस द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। द क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ इन्वॉल्व द स्टेट इम्पोजिंग सेक्शंस फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय इंडिविजुअल सो दैट सोसाइटी कैन अचीव जस्टिस एंड ए प्री कैपेबल सोशल ऑर्डर। देन सिविल लॉ, सिविल लॉ रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ लॉ डीलिंग विद डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड और ऑर्गेनाइजेशन। इन सिविल लॉ देर इज एन अटेम्प्ट टू राइट ए रॉन्ग, ऑनर एंड अग्रीमेंट और सेटल ए डिस्प्यूट। देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्स्ड एट लॉ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एंड जुडिशियल रेमेडीज कैन बी प्रोवाइडेड। ऑलमोस्ट एवरी वन मेक्स कॉन्ट्रैक्ट एवरी डे। द टॉट लॉ इज, टॉट इज ए लीगल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन, हिज और हर राइट्स और प्रॉपर्टी रियल एंड पर्सनल एंड इज पनिशेबल बाय डैमेज, एग्जाम्पल मोनेटरी कंपनसेशन रादर देन इम्प्रिजमेंट इंटेंशनल विलफुली कमिटेड विदाउट जस्ट कॉज। देन टॉट लॉ प्रोवाइड्स रिमिडीज फॉर सिविल रॉन्ग्स दैट डू नॉट अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज। ए इंटेंशनल टॉट ए हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट हार्म टू अनदर वुड रिजल्ट। जानबूझ के किसी के साथ गलत करना, दिस इज इंटेंशनल टॉट। अन इंटेंशनल नेग्लिजेंट टॉट इज केयरलेसनेस।
Then categories of tort are unintentional, quasi-intentional, then intentional. Example, I didn't intend to harm anyone. Then intentional tort के अंदर एक particular person है जिसी दूसरे को एक intention के through परेशान करना चाहता है तो उसको बोलते हैं intention tort. और एक जगह पे कोई person होता है बिना किसी कारण के, उसका कोई intention नहीं होता किसी को परेशान करने का, by the mistake वो उससे गलती हो जाती है तो उसको बोलते हैं unintentional tort. Then unintentional tort divided into malpractice, negligence. Negligence is, it is conduct that falls below the standard of care that a responsible person orderly would use in a similar circumstances, or it is described as lack of proper care and attention, carelessness. Then malpractice, failure to meet the standards of acceptance care which result in harm to another person. Malpractice includes four elements. First, duty of care, breach of duty, the element of injury, the element of proximal cause. Duty of care is an behavior or omission of the medical professionals that could reasonably the foreseen to cause harm to the patient. Then breach of duty is defined as the failure to adhere to the standard of care set by the nursing profession, thus departing from a specific duty owed to the client. Breach of duty का मतलब होता है कि जो standard बनाए गए हैं जिन cares को एक नर्स प्रोफेशनल नर्स को क्रॉस पेशेंट को देना होता है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाती, केयर नहीं दे पाती, तो इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी. देन एलिमेंट ऑफ इंजरी नॉट ओनली इंक्लूड फिजिकल हार्म बट आल्सो मेंटल एनग्विश एंड अदर इन्वेजन्स ऑफ द पेशेंट्स राइट. देन एग्जांपल्स ऑफ माल प्रैक्टिस आर अकॉर्डिंग टू Rising and Allen, common malpractice claim arise against nurses when nurse fail to assess and monitor, follow standard of care, use equipment in a responsible manner, communicate, then document, act as a patient advocate and follow the chain of command. Then the element of proximal cause, also called causation, involves the concept of force in ability, that is a logical link must exist between the nurse's act and the injury suffered. The intentional tort, any intentional act that are reasonably foreseeable to cause harm to an individual and that do so, assault, battery, invasion of privacy, false imprisonment, intentional infliction, emotional distress and fraud. Then assault. Assault के अंदर अपन देखते हैं assault occurs when a person puts another person in fear of harmful or offensive contact. The victim fears and believes that harm will result as a result of the threat. Then battery. It is an intentional touching of another's body without other's consent. किसी भी person की body को without permission के touch करना, इसी को बोलते हैं battery. Then fraud. It result from a deliberate deception intent to produce unlawful gains. Then false imprisonment. It occurs when a client is not allowed to leave a health care facility when there is no legal justification to detain the client or when the restart training device are used
without an appropriate clinical need. Then invasion of privacy, it include violating confidentiality, intruding on private client or family matters, and sharing client's information with unauthorized person. Then legal issue in nursing practice area are controlled substances. The misuse of drugs act aims at checking the unlawful use of drugs liable to produce dependence of or cause harm. Caring patient with AIDS. The care of AIDS and HIV patient has legal implication for nurses. Confidential information must be protected to HIV positive patients. An infected person can not be discriminated against based on contagiousness. Then the deaths and dying. The law identifies that death occurs when there is a greatly diminished brain function despite function of other body organ. Autopsy and organ donation. Legally competent persons are free to donate their bodies or organ for medical use. Consent form are available for the purpose. The nurse must be aware of policies and procedures. Then patient properties. Many of the unconscious patients admitted in emergency, their belongings should be listed, checked by two nurses and put in safekeeping. Living wills and health. The care surrogates living wills are document instructing physician to hold or withdraw life sustaining procedure whose death is imminent. Each state providing living will need to witness. The legal responsibility of nurses appointing and assisting and floating. Then quality control. Then relation to material management. Then proper documentation system. Then maintain public relations. Then disaster management and staff management. Now the conclusion. Every nurse should act as per the legal guidelines for nursing practice while caring for patients, since negligence may cause a great distress to nurse, the patient and others, as well as reputation of the institution. Thank you everyone. Our topic is completed.